हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विशाल एडिटिंग लवर में आप लोगों का स्वागत है। गाइस, मैं आज फिर से आप लोगों के लिए एक स्क्वायरल फोटो एडिटिंग लेकर आया हूं। अगर आपको फोटो दिखा दें गाइस किस टाइप के हम फोटो एडिटिंग करेंगे, अगर आपको इस तरीके की फोटो एडिटिंग करनी है तो हमारी वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। देख लीजिए गाइस, काफ़ी औसम लग रही है। अभी हम आपको दिखाए दे रहे हैं गाइस, ये देखिए काफ़ी मतलब फ़ोटो अच्छी लग रही है। अगर आपको इस तरीके की एडिटिंग करनी है तो वीडियो स्टार्ट कर दे करने से पहले हम आपको बता दें, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो इस फोटो को एडिटिंग करने के लिए आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा गाइस। अगर आपके पास नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, आप लोग वहाँ से जाकर कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद फिर आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको इस प्लस पर क्लिक कर देना है गाइस। प्लस पर क्लिक करने के बाद आपको एडिट अ फोटो पर क्लिक करना है। यहाँ से एक बैकग्राउंड ले लेते हैं गाइस। अगर इस बैकग्राउंड की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहाँ से इसे ले सकते हैं। तो इस बैकग्राउंड को मतलब बैकग्राउंड को लेने के बाद गाइस आपको इस तरीके से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद इस ऐड फोटो पर जाना है गाइस, सॉरी ड्रॉ में जाना है। ड्रॉ में जाने के बाद आपको इस ड्रॉ पर क्लिक कर देना है गाइस। आपको ड्रॉ में जाकर ड्रॉ को लेना है और फिर इस हेड प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, फिर फ़ोटो पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको अपने मॉडल के फ़ोटो को ले लेना है गाइस। यहाँ से हम मॉडल की फ़ोटो को ले लेते हैं, फिर यहाँ से राइट कर देते हैं। तो गाइस इस मॉडल की मतलब हमने बैकग्राउंड रिमूव करके रखा है। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता तो वीडियो हमने बना दी है, आप लोग जहाँ जाकर देख सकते हैं गाइस। तो इस तरीके से इसे लगाएंगे गाइस। इसे लगाने के बाद अब आपको इस लेयर पर क्लिक करना है, प्लस पर क्लिक करके और यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करके इसे ट्रांसफॉर्म कर लेना है गाइस। और फिर इसके साइज को पलट लेना है, फिर कुछ इस टाइप से इसे उठाकर सेट कर देना है गाइस, कुछ इस तरीके से। और इसे सेट करने के बाद यहाँ से आपको राइट कर लेना है। राइट करने के बाद अब आपको यहाँ से एक एम्प्टी लेयर क्रिएट कर लेनी है गाइस। तो यहाँ से हम एक लेयर बना लेते हैं, ये डबल बन गई, एक डिलीट कर लेते हैं गाइस। तो ये एक एम्प्टी लेयर हमारी है। तो अब यहाँ से हम सॉरी गाइस ये क्या हो गया। तो अब यहाँ से इसे ऐड प्रोजेक्ट पर फिर से क्लिक करेंगे, फोटोज़ पे जाएंगे। यहाँ से हम एक स्क्वायरल को लेंगे गाइस। इस स्क्वायरल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से कर सकते हैं गाइस। तो स्क्वायरल को लेने के बाद यहाँ से ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको इस तरीके से कुछ सेट कर लेना है, कुछ इस टाइप से गाइस। देन इसे देख लेते हैं, इस टाइप से सेट करने के बाद आपको यहाँ से इसे राइट कर लेना है गाइस। राइट करने के बाद आपकी फ़ोटो इसमें आ जाएगी गाइस। अब देन इतना करने के बाद आपको इसमें एक और हम PNG ऐड करेंगे गाइस। यहाँ से अब हम ऐड फोटो पर जाएंगे। ऐड फोटो पर जाने के बाद यहाँ से हम एक PNG और ले लेते हैं गाइस, ये वाली। और इस जो भी PNG हम इसमें यूज करेंगे इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से जाकर कर सकते हैं इसे। तो गाइस इसे लगाने के बाद आपको इस इरेजर पर क्लिक करना है और फिर आपको इस इन्वेंट पर क्लिक कर देना है और फिर ब्रश पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर इस तरीके से चला लेना है गाइस, कुछ इस टाइप से। हम देख लेते हैं यहाँ पर चला कर गाइस। तो गाइस ये अब यहाँ इस इरेजर पर क्लिक करेंगे और ये इसको हम इरेज कर लेंगे गाइस। इस बड़े मतलब ये जो कुछ इस टाइप से इसे इरेज कर लेंगे, आप लोग भी कर सकते हैं। फिर इसे यहाँ से इसे राइट कर लेना है गाइस। राइट करने के बाद आपको एक बार और राइट करना होगा, फिर राइट कर देंगे। देन फिर राइट करने के बाद आपको इसमें एक काम करना होगा, आपको इसे इफ़ेक्ट पर जाना होगा गाइस। इफ़ेक्ट पर जाने के बाद आपको इस ब्लर पर क्लिक कर देना है गाइस। इस ब्लर पर क्लिक करने के बाद आपको ब्लर को ले लेना है। ब्लर को लेने के बाद इसकी साइज को आप मतलब इसके ब्लर को रख देंगे 5x3 5 हो गई गाइस। देन 5 होने के बाद आपको इस इरेजर पर क्लिक कर देना है गाइस। फिर आपको इसे इन्वेंट कर देना है, हो जा। इसे करने के बाद अब इस ब्रश को ले लेंगे। ब्रश को लेने के बाद आपको जो वॉल्यूम लगाई थी हमने उन्हें ब्लर कर लेंगे गाइस, कुछ इस टाइप से। हमने इसे ब्लर कर लिया है गाइस और इस तरीके से राइट कर देंगे। देन गाइस राइट करने के बाद आपको एक बार और राइट ऑप्शन आएगा, उसे दोबारा राइट कर देना। फिर आपको इस ऐड फोटो पर जाना है। यहाँ से हम एक और मतलब ऐड करेंगे PNG को गाइस, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से जाकर कर सकते हैं। तो गाइस इसे यहाँ से हम ले लेते हैं और फिर यहाँ से ऐड कर देते हैं। देन ऐड करने के बाद इसके साइज को बढ़ा लेंगे। देन साइज को बढ़ाने के बाद यहाँ से हम कुछ सेट करते हैं अपने हिसाब से गाइस। आप लोग भी आराम से थोड़ा सा टाइम देकर सेट करना अच्छे से, जब परफेक्टली आपका हो जाए तब इसे आपको
थोड़ा सा और बड़ा ताकि ये फुल पर आ जाए गाइस। देखते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेंगे इतना कुछ, और फिर आपको यहाँ से इसे राइड कर देना है गाइस। राइड करने के बाद आपको इस एड प्रोजेक्ट पर जाना है, यहाँ से हम लाइट को लेंगे गाइस। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से जाकर ले सकते हैं। और इस पर जाने के बाद हम यहाँ से इस वाली लाइट को लेंगे गाइस। इसे लेने के बाद यहाँ से ऐड फोटो कर देंगे, ऐड फोटो करने के बाद इसे फुल कर देंगे। फुल स्क्रीन करने के बाद कुछ इस तरीके से लगाया, लगाने के बाद इसके ब्लेंड को चेंज कर देंगे इस तरीके से गाइस। इसके ब्लेंड को स्क्रीन कर लेना है, स्क्रीन करने के बाद ये लाइट आपके ऊपर लग जाएगी गाइस। तो यहाँ से ऐड कर देना है, ऐड करने के बाद आपको फिर से एक लाइट को लेना है, ऐड फोटो पर जाना है गाइस। ऐड फोटो पर जाने के बाद आपको फिर से यहाँ से एक लाइट ले लेनी है, तो आपको इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी गाइस, आप लोग कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरीके से हम लगा लेते हैं कुछ यहाँ पर गाइस। इसे लगाने के बाद इसके भी ब्लेंड मोड को स्क्रीन कर देना है। ब्लेंड पर गए, इसे स्क्रीन किया और ये हमारी कुछ फोटो हो गई है। अब इसे यहाँ से लाइट कर लेंगे गाइस। देन हमारा इसमें पिक्स आर्ट टाइप का काम हो चुका है, हमने कुछ यहाँ पर इस टाइप से फ़ोटो बनकर तैयार हो गई, इतना एडिट कर लिया है गाइस। अब आपको इसमें करना क्या है, अब इस फोटो को इस तरीके से स्क्रॉल करना है और ड्रॉ टूल में जाना है, और ड्रॉ टूल में जाने के बाद ड्रॉ पर क्लिक करके इसे थ्री डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसे सेव इमेज कर लेना है गाइस, तो ये फोटो आपकी सेव हो जाएगी। देन सेव इमेज करने के बाद आपको अपनी फ़ोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन के ओपन कर लेना, शेयर करके ओपन कर लेना होगा गाइस। तो यहाँ से हम इसे ओपन कर लेते हैं, आप लोग भी कर लीजिएगा। और यहाँ से आपको एक प्रीसेट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से जाकर कर सकते हैं। तो गाइस इस ऐड को हम हटा लेते हैं, एक सेकंड, ऐड हट गया है। अब यहाँ से हम इसे करते हैं, तो गाइस पहले आपको क्या करना होगा, उस फोटो को यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं गाइस। तो जो फ़ोटो हमने बनाई, इस फ़ोटो को ले लेते हैं, यहाँ से ऐड कर लेते हैं। तो ये अभी आ जाएगी फ़ोटो गाइस, कुछ ही सेकंड में देख लेते हैं, हाँ अभी आ जाएगी गाइस आप। तो ये फ़ोटो हमारी आ चुकी है गाइस, इस फ़ोटो को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं गाइस। इस देख लीजिएगा, इस फ़ोटो हमारी आ चुकी है। अब आपको इसमें करना क्या है, अपने इसी प्रीसेट को ले लेना है गाइस। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से लेकर कर सकते हैं गाइस। तो इस प्रीसेट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको इसे लेने के बाद थ्री डॉट पर इस तरीके से थ्री डॉट पर क्लिक करना है, और यहाँ से कॉपी सेटिंग कर लेना है गाइस। फिर यहाँ से राइट कर लेना है आपको, राइट करने के बाद आपको बैक जाना है, और फिर आपको इस फ़ोटो को ले लेनी है गाइस। इसे लेने के बाद आपको इसमें क्या काम करना होगा, इसमें आपको इस थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक पेज सेटिंग का ऑप्शन आएगा, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। देन गाइस पेज सेटिंग करने के बाद देखिएगा, आपका फ़ोटो काफ़ी अच्छी तरीके से एडिटिंग हो जाएगी। देख लीजिएगा, सिर्फ वन क्लिक में आपकी फ़ोटो का मतलब पूरा लुक चेंज हो गया है। तो देख लीजिए, आप इसे सेव करने के लिए आपको इस पर क्लिक कर देना है, जहाँ से आपको कहाँ गया यार। तो गाइस यहाँ से आप लोग आराम से इसे सेव कर ले सकते हैं, आपकी फ़ोटो बन चुकी है। तो गाइस फ़ोटो, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी, एडिटिंग पसंद आई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ इसी तरीके की कुछ खतरनाक सी एडिटिंग के लिए। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।